में रखिए इसको, लेवल्स भी आपको बता दिए हैं। इस बीच वोडा आइडिया ये स्टॉक आज भी ऊपर है, करीब 1% की तेज़ी अब ये स्टॉक दिखा चुका है। इस स्टॉक को हम कुछ दिन पहले भी नोटिस करवा रहे थे आपको, और काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आई हैं, 18 तक के लेवल्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और आज वापस से 14 के ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। कुछ जी क्या करें मौजूदा स्तर पर वोडाफोन आइडिया में? मेरी सलाह इसमें बहुत क्लियर रही है कि इसको अगर कोई फ्रेश एंट्री चाहता हो तो 16 का जो लेवल है वो क्रॉस होगा उसके बाद ही कंसिडर करें, क्योंकि बड़ी ब्रॉड सी बैंड कह सकते हैं कि 12 से लेके जो 16 का रेंज है। अक्सर इस स्टॉक में हमने देखा है कि न्यूज आती है फिजल आउट हो रहा है, अभी मूव्स जो आ रही हैं ये हो सकता है थोड़ी सी सस्टेंड हो, बट इन द पास्ट हमने ये देखा है कि भाई थोड़ी सी सस्टेंड मूव भी बहुत शार्प तरीके से फिजल आउट होती है। तो 16 इज द लेवल दैट आई एम वॉचिंग फॉर, जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट या ट्रेड चाहते हो वो मेरे हिसाब से 16 के बाद करें, लेकिन जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, करंट मोमेंटम है, गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिल रहा है, तो जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो वो अपना जो स्टॉप लॉस है 1425 और 14 का जो रेंज है इसके आसपास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के इसमें बने रह सकते हैं। फ्रेश निवेश की सलाह मेरी नहीं रहेगी, मैं इसको ट्रैक तो कर रहा हूँ बट इसको बाइंग की सलाह मैंने काफी समय से नहीं दी है। 16 के ऊपर वील सी हाउ द सेटअप इज एंड देन यू नो परहैप्स वील कंसीडर। ठीक है, वोडा आइडिया को लेकर ये व्यू।